जो जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है सर, उन लोगों को एक बार जो है ना रूम में ले जाके पकड़ के धोइए एकदम अच्छे से। इनवाइट करेंगे उससे पैसे नहीं लेंगे? पैसा नहीं लेंगे तो सर पैसे कहाँ से कमाएंगे? अम्मी और अब्बू दोनों ये बराबर तभी नहीं तभी मारते हैं जब मेरा कोई गलती होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लात वात से तो मार नहीं खाते हैं लेकिन क्या लॉजिक है कि आप डॉक्टर बनने के बावजूद भी आप कह के मैं 10-15 दुकानें पानी पूरी की खोलूंगा, क्या क्या मकसद है? लॉजिक ये है और मकसद भी ये है, हाँ? कि जो लड़कियां होती हैं, हाँ? उन लोगों को पानी पूरी खाने का ज़्यादा शौक होता है। अच्छा, सबको इनवाइट करेंगे, सब लोग मेरे यहाँ के खाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं इनवाइट करेंगे उससे पैसे नहीं लेंगे? पैसा नहीं लेंगे तो सब पैसे कहाँ से कमाएंगे? अच्छा नहीं, आपने इनवाइट करेंगे या फिर उनको अपनी एडवर्टीजमेंट देंगे कि हमारे यहाँ के खाइए? इनवाइट तो है कि भाई आइए खाइए और चले जाइए। सर पहले उसको इनवाइट करेंगे, बोलेंगे स्कीम रखेंगे, जो आएगा हम उसको पेन देंगे, हाँ। वो आएगा खाएगा, हाँ। पैसा लेंगे, हाँ। डबल पैसा लेंगे, हाँ। उसमें पेन का भी पैसा जोड़ के उसको दे देंगे। अब उसको क्या मालूम कि हम उसको पेन का भी पैसा जोड़ रही है। अच्छा अच्छा, और बताओ और अपनी ज़िंदगी में और बड़ा क्या करना चाहते हो? बड़ा ये करेंगे, हम एक स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलेंगे सर? मतलब कैसा स्कूल खोलेंगे? सर आजकल का स्कूल में ये होता है कि टीचर बच्चा लोग पे बर्डन बहुत दे देता है कि एग्ज़ाम में ऐसा करना है वैसा करना है, हाँ। इस हम उस स्कूल में क्या करेंगे, टीचर का फीस ज़्यादा रखेंगे, हाँ। इसलिए टीचर में स्कूल में आएगा फर्स्ट, अगर टीचर जो बच्चा को गैस दिया एग्ज़ाम में, एक बच्चा का एग्ज़ाम हो गया, टीचर उसको देखा कि बच्चा एग्ज़ाम कैसा दे रहा है, अब उसके 2-3 दिन बाद बच्चा टीचर का एग्ज़ाम लेगा। हाँ अरे वाह, ये क्या जबरदस्त, ये सही कहा है। अब इसका मतलब है कि ये टीचर्स को भी चेक करेंगे कि इसको कुछ आता है या नहीं आता है, ये हमें ही ज़्यादा दबाया जा रहा है, हैं? इसका मतलब, हाँ तो इतनी आपकी उम्र क्या है? 10 साल। अभी 10 साल है? यस सर। तो बातें तो बहुत बड़ी हैं आप में, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। यस सर। अच्छा चलो, आप हमारे लिए क्या करेंगे आप? सर देखो स्टोरी नहीं बनानी है, झूठ नहीं स्टोरी नहीं बनाएंगे सर, रियल बोल रहे हैं आपके लिए क्या करेंगे? झूठ नहीं बोल रहे सर, रियल बोल रहे हैं आपके लिए क्या करेंगे? हाँ बताओ सर, आपको हम अपने स्कूल में बुलाएंगे, हाँ। जैसे आप यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाँ। वहाँ पर भी हम ट्रेनिंग दे आपसे आप दीजिएगा, हाँ। उसके बाद, हाँ। हम पार्टी रखेंगे, हाँ। सब बच्चों लोग को इन्वाइट करेंगे टीचर्स को छोड़ के, उसके बाद पार्टी करेंगे। ओके ओके, टीचर्स को छोड़कर एक दो टीचर बुलाएंगे, बाकी टीचर को भेज देंगे, फिर हम बच्चे लोगों के साथ पार्टी करेंगे। टीचर से इतनी आपको इतनी दुश्मनी क्यों है भाई? दुश्मनी नहीं है सर, हाँ। ज़्यादातर होता क्या है कि कुछ भी फंक्शन होता है तो टीचर को बुलाता है, हाँ। बच्चा खाली मुंह ताकता रह जाता है। बच्चा का अच्छा ये सर मनोरंजन के लिए है? कि जैसे माइक थोड़ा दूर करो, अब बताओ कि जैसे सर अगर हम उसको पार्टी दिए, हाँ ठीक, अब वो अपने दूसरे दोस्त को बताएगा ऐसा कि मेरे स्कूल में डायरेक्टर हैं, वो हमको पार्टी देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हाँ। अब वो जो दूसरा बच्चा है वो अपने माँ बाप से जिद करेगा कि हमको उस स्कूल में आइए, फिर हम उस स्कूल में जाएगा। ये लॉजिक है, अरे वाह। आपके कितने दोस्त हैं? मेरे दोस्त नहीं, झूठे नहीं, सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त? हाँ सच्चे दोस्त तो कोई नहीं है। सच्चे तो कोई भी नहीं, झूठे हैं सारे। क्योंकि सर सच्चे दोस्त वो कहलाते हैं जो जब बुरा वक्त आया तब मदद करे। अभी अगर हमको कोई 2-3 बच्चा मारने आ जाएगा, हाँ। अपना दोस्त लोग को बोलेंगे, हाँ। एक जर्रा बड़ा बनने आएगा, बोलेगा हमको काम है जा। हाँ ये बात तो है। इसका मतलब आप बस टाइम पास के लिए दोस्ती रखते हैं उनसे? टाइम पास के लिए नहीं सर, माने कि अगर जैसे हम क्लास में आए न्यू, हाँ। अब हम साल में 1-2 दिन तो क्या बोलते हैं एब्सेंट रहेंगे ही, हाँ।
अब अगर हम एब्सेंट रहे तो कोई नोट्स लिखा दिया होगा, हाँ। टीचर अगर लिखा देंगे, हाँ। तो वो जो बच्चा है, हाँ। अगर मेरा दोस्ती नहीं रहेगा, हाँ। तो हमको नहीं देगा। इसीलिए अगर हम दोस्ती रखेंगे, उसको लगेगा कि मेरा दोस्त है, मेरी मदद करेगा, तो हमको दे देगा। आई बात है। सुलेमान, आपके अबू क्या करते हैं बेटा? मेरे अबू गवर्नमेंट टीचर हैं। अम्मी? अम्मी भी गवर्नमेंट टीचर हैं। अबू को क्या कहना चाहते हो आप? अबू, हाँ, अबू के लिए तो शेर कहना चाहते हैं अबू के लिए, कोई भी शायर? दुनिया में इतनी अल्फाजे नहीं है कि कोई अबू को दर्शा सके। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। और अम्मी को? अम्मी, जितना भी लाइन लिखा जाए वो सब कम है। जितनी भी लाइन लिखी जाए वो सब कम है अम्मी के लिए? माने कि पेरेंट्स के लिए जितने भी दुनिया में आप लाइन लिख दें, हाँ, बहुत कम है। अच्छा, और आपको सच बताना? यस सर। सच बताओगे? यस सर। आपको अम्मी ज़्यादा मारती है, अब्बू ज़्यादा मारते हैं? देख, झूठ नहीं बोलना है, सच बताना है। सच बताना, अम्मी ज़्यादा मारती है, अम्मी की ज़्यादा चप्पलें खाई हैं, अब्बू के ज़्यादा जूते खाए हैं आपने? सर, अम्मी और अब्बू दोनों ये बराबर मारते तभी हैं? नहीं, तभी मारते हैं जब मेरा कोई गलती होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लात वात से तो मार नहीं खाते हैं, लेकिन लेकिन अच्छा, अम्मी लोग जो बोलती है ना, हाँ, वो दिल पे लगता है। अच्छा, जो बोलती है वो दिल पे लगता है। इसके ऊपर हम यही कहना चाहेंगे, हाँ, दुनिया में, हाँ, अगर क्या बोलते हैं किसी को मारना है ना, हाँ, तो ना तलवार यूज़ करो ना कोई हथियार यूज़ करो, हाँ, खाली उसको है ना ताना देना शुरू कर दो। ताना देना शुरू कर दो। हाँ, ये बात है। लात घूसे से इतने नहीं लगती जितने ताना से। ताने से सर, लात घुसा मारेगा बेचारा मर जाएगा, लेकिन ताना मारेगा उसको गुस्सा आएगा, हाँ, गुस्सा आएगा तो वो कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि हाँ, जिस टाइम आपको गुस्सा आता है, हाँ, और आपका हाथ बंधा रहता है, हाँ, तो आपको इतना गुस्सा आता है कि समझिए कि क्या कर दें, हाँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, हाथ बंधे होते हैं उसके। तीजे ताना उसको जितना ताना दीजिए, और लास्ट में वो ताना सुन सुन के खुद ही मर जाएगा। खुद ही मर जाएगा, या तो वो आत्महत्या कर लेगा या तो कुछ और कर लेगा ताने से। हम बोलते हैं भांसी का जो है ना रूलिंग खत्म कर देना चाहिए, ताना दे दे के मार दो। मतलब आपका कहना है अगर कोई कोई किसी को गवर्नमेंट अगर फांसी का हुक्म सुनाती है तो उसको फांसी नहीं देना चाहिए, उसको बिठाए उसको ताना देना शुरू कर दे। सर, माने कि उसको जो जो से वो जलता है ना, चिरता है ना, हाँ, उसका हाथ पैर बांध के उसको वही सब बोलो। अच्छा, पहले उसको हाथ पैर बांधे फिर उसको ताना दे दे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा इंसान है यार, शेक हैंड, वेरी गुड। अच्छा, हमारे लिए क्या कोई शायरी है आपके लिए? शायरी बताओ। वैसे हम शायरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? स्टडीज। स्टडी पे, तो कोई शायरी बना है कोई बोल सकते हैं कुछ? क्या बोल सकते हैं बताओ। सर, आप तो टीचर हैं। चलो आप मुझे बताओ, कुछ भी दो लाइन कोई हमारे लिए क्या कहना चाहते हो आप? दो लाइन, दो लाइन कितने आपके लिए? हाँ, कितने बुरे हैं हम, कितना बुरा पढ़ाते हैं। सर, पढ़ाते तो हम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा लगता नहीं है। जिनको अच्छा नहीं लगता है? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे, मुझे क्या कहना चाहेंगे आप? आपको ये कहना चाहेंगे कि जो जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है सर, उन लोगों को एक बार जो है ना रूम में ले जाके पकड़ के धोइए एकदम अच्छे। ओके ओके, ठीक है।